हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय लवलीज प्रेजेंट ओवर हेयर। सो क्या हाल चाल हैं आप सभी के? उम्मीद करती हूँ आप सभी होंगे एकदम बढ़िया। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन सभी पार्सल्स की अनबॉक्सिंग, जो कि कुछ ज़्यादातर मीशो से है एंड एक मिंत्रा का पार्सल है। तो ये सब मेरे पास इकट्ठा हो गए थे, तो इनकी अलग अलग अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने की प्लेस पर मैं इन सभी को एक ही वीडियो में अनबॉक्स करके आपको दिखा दूंगी, तो मेरा भी काम हल्का हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे छोटू पार्सल से। तो ये मैंने मीशो की 9 रुपीज़ वाली सेल से ऑर्डर किया था। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मीशो की महादिवाली सेल लाइव है एंड अभी हर 2 घंटे में यहाँ पर हमें 9 रुपीज़ वाली सेल देखने के लिए मिल जाती है। तो आप जब चाहें तब ट्राई कर सकते हैं। 6 तारीख तक की सेल है और मैंने यहाँ पर पहले ये व्हाइट वाली वॉच का कॉम्बो सिलेक्ट किया था, उसके बाद फिर मेरा मन बदल गया, मैंने ये जो 3 कॉम्बो मिल रहा था वॉच और ब्रेसलेट का इसे सिलेक्ट कर लिया। एंड जैसे ही 8 बजे मैंने टैप टैप वाला वही फॉलो किया है प्रोसेस और लकीली मेरा ऑर्डर कन्फर्म हो गया। तो बस इसी तरीके से मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, मुझसे भी नहीं होता है। आजकल तो प्रोडक्ट बिल्कुल क्लिक करते ही आउट ऑफ स्टॉक शो होने लगते हैं, बट कभी कभी लक काम कर जाता है तो ऑर्डर हो जाता है। तो मैंने 9 रुपीज़ वाली सेल से ही 99 रुपीज़ वाले प्रोडक्ट पिक किए हैं। तो ये 99 में कॉम्बो था जिसमें सबसे पहले ये ब्रेसलेट है। ब्रेसलेट में किंग लिखा हुआ है एंड एक छोटा सा क्राउन बना हुआ है। ओके क्वालिटी है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, लेकिन इसका एक इशू है कि इसका जो हुक है वो लग नहीं रहा है, तो कम्प्लीटली ये वेस्टेज है, इसको पहन भी नहीं सकते। अगर हम किसी बच्चे को दे दें तो भी ये पहना नहीं जाएगा बिकॉज इसका हुक बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है ये वाली स्मार्ट वॉच, जो कि स्मार्ट नहीं है, इसमें सिर्फ टाइम दिखाता है, ये दिखती बस स्मार्ट वॉच जैसी है, बट ठीक है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है, उनको पसंद आएगा। प्रॉपर टाइम शो कर रही है एंड यहाँ पर अगर आपका टाइम मिसमैच है तो वो भी आप इस पर सही कर सकते हैं, तो ये अच्छा है कि ओके है बट अच्छी है। एंड इसके साथ मुझे एक ही इशू लगा कि ये वॉच हम बड़े लोग तो पहनेंगे नहीं, हम बच्चों को ही पहनाएंगे, और बच्चों की कलाई इतनी बड़ी नहीं होती है कि जितना बड़ा इसका डायल दिया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरी कलाई के ऊपर ही ये पूरा मेरा कलाई को कवर कर रहा है एंड बच्चों के हाथ में ये काफ़ी बड़ी लगती है, तो इसका ये एक छोटा सा कॉन लगा मुझे, बाकी ठीक है घड़ी 99 रुपीज़ के हिसाब से। नेक्स्ट है ये ब्लू कलर की वॉच, एंड अगर आप लोगों ने मेरा एक पुराना वीडियो देखा है मीशो अनबॉक्सिंग वाला, जिसमें मैंने 49 रुपीज़ में सेम डायल वाली घड़ी ऑर्डर की थी, बट इसमें जो पट्टा था उसका वो लेदर का था एंड इसमें लेदर नहीं है, ये पता नहीं प्लास्टिक टाइप कुछ मटेरियल है, मुझे इसका मटेरियल समझ में नहीं आया, लेकिन ये भी अच्छी है। तो ओवरऑल कहा जाए तो 99 रुपीज़ में 2 वॉच और 1 ब्रेसलेट काफ़ी ठीक ठाक डील रही। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पार्सल, जो कि मिंत्रा का है, एंड यहाँ पर मिंत्रा का ये पार्सल सिर्फ 1 रुपीज़ का है। एक्चुअल में 1 रुपीज़ का नहीं है, 20 रुपीज़ प्रोसेसिंग चार्ज मिलाकर यहाँ पर मुझे 21 रुपीज़ का ये पार्सल पड़ा था। तो आप लोगों को मैंने इन्फॉर्म किया था जब मिंत्रा में 1 रुपीज़ वाली सेल चल रही थी, तो ये उसी टाइम का पार्सल है जो कि काफ़ी दिनों से मेरे पास रखा हुआ है, तो मैंने सोचा इसे इसी वीडियो में कवर कर दिया जाए। तो इसमें टैग का काजल मिल रहा जो कि 199 रुपीज़ का होता है और यहाँ पर हमें सेल में सिर्फ 1 रुपीज़ में मिल रहा था। एंड मिंत्रा का तो आपको पता ही है 20 रुपीज़ प्रोसेसिंग चार्जेस देने ही पड़ते हैं, धीरे धीरे ही अपने प्रोसेसिंग चार्जेस बढ़ाते भी जा रहे हैं। एंड यहाँ पर आप बिल में देख लीजिए, बिल में इन्होंने सिर्फ 1 रुपीज़ ही लिखा है, प्रोसेसिंग चार्ज गई मिंत्रा की जेब में। और यहाँ पर अब देख लेते हैं हम काजल, जो असली चीज़ हमने मंगाई है, क्या 199 रुपीज़ वर्थ ही है इसके लिए देना? यानी अभी तो हमें 21 में मिल गया था, बट अगर कोई नॉर्मली लेता है तो 199 या फिर कम से कम 150 रुपये में मिलता ही होगा, तो क्या ये इतना वर्थ ही है? ये ही चेक करने के लिए मैंने इसे ऑर्डर किया था। एक्चुअल में मुझे पता है ये कैसा है, बट मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया है कि मैं एक काजल पर डेडिकेटेड वीडियो करने वाली हूँ, जिसमें सारे काजल जो भी मेरे पास अवेलेबल होंगे उनका मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगी, तो ये उसी के लिए ऑर्डर किया है। तो वो वाली वीडियो में आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हमारा काजल अब निकल कर आ गया है बाहर, एंड ये काजल है फ्रॉम टैग, एंड इसमें लिखा हुआ है टैग ब्यूटीफुल आई, एंड ये एक आयुर्वेदिक काजल है और इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो मुझे अच्छी नहीं लगी है पर्सनली। बाकी काजल कैसा है वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ, इसका स्वॉच भी दिखा दूंगी मैं। तो इतनी क्वांटिटी में आपको ये काजल रिसीव होगा और यहाँ पर अब इसका स्वॉच देख लीजिए, एंड वाओ पिगमेंटेशन बहुत अमेजिंग है। 1 स्वाइप में ये जेट ब्लैक कलर दिया है इसने, एंड थोड़ी देर बाद जब हमारे सारे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग हो जाएगी हम इसका स्मज वाला टेस्ट भी कर लेंगे कि स्मज प्रूफ है या नहीं, तो इसका एक ओवरव्यू आपको मिल ही जाएगा।
जाएगा। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि मैंने मीशो की अगेन 9 रुपीज वाली सेल से ऑर्डर किया था। और मुझे समझ में नहीं आता है कि मीशो का पार्सल मुझे कभी भी कलर्ड वाली पॉली, इनकी जो पैकेजिंग होती है उसमें कभी रिसीव नहीं होता, हमेशा इनका यही ग्रे वाला पैकेजिंग मुझे रिसीव होता है। ऐसा मेरे साथ क्यों? तो यहाँ पर 9 रुपीज वाली सेल से मैंने इनका ये जो स्टैकिंग रिंग टॉय आता है वो नॉर्मली 150 रुपये के आसपास आता है, बट यहाँ पर हमें 49 रुपीज में मिल रहा था, तो मैंने इसे ही सिलेक्ट करके रखा था। एंड लकीली ये वाला ऑर्डर भी मेरा कंफर्म हो गया था। मैंने ऑलमोस्ट देखा है कि मैं बच्चों के लिए अगर कुछ भी ऑर्डर प्लेस करती हूँ तो वो हो जाता है मुझसे ऑर्डर, बट अच्छा है ये 49 रुपीज के हिसाब से बहुत अमेजिंग है यार। 49 में ये नहीं मिलता है यूजुअली मार्केट में, एंड मीशो की मेहरबानी है कि सिर्फ 49 रुपीज़ में ये हमें घर पर प्रोडक्ट को डिलीवर करके दे रहे हैं। तो ये स्टैकिंग रिंग टॉय है जिसमें आपको पिंक कलर 2 बार नज़र आ जाएंगे। ये एक्चुअल में बच्चों के खेलने के लिए भी अच्छा हो जाता है, एंड कलर्स वगैरह अगर आप बेबी किड को सिखाना चाहते हैं तो कलर्स वगैरह की नॉलेज भी बच्चों को इससे दी जा सकती है। तो काफ़ी सही लगा, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, प्लास्टिक नीचे का अच्छा खासा हैवी है। सो ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट परचेज। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पार्सल, एंड इसके लिए मैंने पे किया है सिर्फ और सिर्फ 67 रुपीज़। एंड इसमें मैंने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो है एक कुर्ता पैंट सेट विद दुपट्टा, वो भी सिर्फ 67 रुपीज़ में। एंड अगर आप लोगों ने मेरा शॉर्ट वीडियो देख लिया होगा तो आप लोग समझ गए होंगे, बट अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस शॉर्ट वीडियो को भी देख लीजिएगा, एंड सब जगह प्यार दिया कीजिए यार कमेंट सेक्शन में भर भर के। तो ये वाला जो कुर्ता पैंट सेट है ये मैंने ऑर्डर किया सिर्फ 67 रुपीज़ में, एंड 67 रुपीज़ में कुर्ता पैंट का सेट मिल जाना वो भी दुपट्टा के साथ, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी में, इज़ अमेजिंग डील। तो यहाँ पर इनका जो कुर्ता का मटेरियल है ये है कॉटन में, एंड अभी आपको ये 350-380 के अराउंड मिलेगा ये सूट का सेट, बट जब हमने ऑर्डर किया था तब इसका प्राइस ऑलमोस्ट 3 रुपीज़ हो गया था, एंड डिलीवरी चार्जेस वगैरह ऐड होने के बाद ये 67 रुपीज़ COD में मिल रहा था। अदरवाइज़ अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट करती तो इसका मुझे मिल जाता 58-55 रुपीज़ के अराउंड ये मुझे मिलता। तो इसका कुर्ता का जो मटेरियल है वो कम्प्लीटली प्योर कॉटन है, बट ये जो पैंट है ये प्योर कॉटन नहीं है, ये मिक्स्ड कॉटन में है। इसमें आपको सामने बेल्ट मिल जाएगी, पीछे तरफ आपको इलास्टिकेट मटेरियल मिल जाएगा, तो इसमें दोनों तरफ पॉकेट भी है, बट प्योर कॉटन नहीं है, ये मिक्स कॉटन वाला कपड़ा है, बट अनकंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, बहुत अमेजिंग है। डेली वेयर के लिए आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगा पर्सनली। और 67 रुपीज़ में मैं कंप्लेंट ही नहीं कर सकती, 67 में आजकल कहाँ कुछ मिलता है। और नेक्स्ट है ये इसका दुपट्टा, जो कि पूरे सूट की जान है, बिकॉज दुपट्टा इसका बहुत प्यारा दिया हुआ है। प्रॉपर इसकी 2.25 मीटर की लेंथ है, और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट धागे से ही यहाँ थ्रेड वर्क है, बट मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि ये क्या बोला जाता है इसको। एंड इस तरीके से ट्रांसपेरेंट सा शीयर सा इसका फैब्रिक है, कॉटन में ही है, बट बहुत सुंदर है इसका दुपट्टा। तो इस दुपट्टे में कहीं कहीं पर ब्लॉक प्रिंट है और कहीं कहीं पर ये वर्टिकल लाइंस आपको नज़र आएगी, तो आई थिंक पूरे सेंटर में इसके वर्टिकल लाइन है और कॉर्नर कॉर्नर में ब्लॉक प्रिंट है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा दुपट्टा है इसका, जो इस पूरे सूट में जान डाल देता है जैसी दुपट्टा कैरी करो। तो 67 रुपीज़ में इट वॉज एन अमेजिंग डील। अनफॉर्चुनेटली अभी तो ये सूट आउट ऑफ स्टॉक है, बट इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप अपना साइज सिलेक्ट करके नोटिफाई मी पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही ये स्टॉक में आएगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको तुरंत उसको ऑर्डर प्लेस कर लेना है, बिकॉज ज्यादा देर तक ये डील नहीं रहती है। एंड इस तरह की और डील देखने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं ऐसी शॉर्ट टर्म डील पोस्ट करते रहती हूँ डेली। तो अब मैं बात करती हूँ ये ब्रेसलेट की, तो इसमें आप देखिए ये हुक जो है इसका कितना प्रेस करने पर भी बंद नहीं हो रहा है, तो आई डोंट नो इसका क्या किया जाएगा, बट ये मेरे हिसाब से तो वेस्ट ही हो गया। बाकी अच्छी डील थी ये भी, ओवरऑल देखा जाए तो 100 रुपीज़ के अंदर ही सारे प्रोडक्ट हमने यहाँ पर अनबॉक्स किए हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड इन सब में आपको सबसे अच्छी डील कौन सी लगी है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड काजल को अगर मैं बहुत हल्के हाथों से भी स्मच कर रही हूँ तो ये मिट जा रहा है, तो स्मच प्रूफ तो नहीं है ये काजल, और थोड़ा ताकत लगाकर मैंने अगर इसमें प्रेस किया है तो ये कम्प्लीटली गायब हो गया है। तो अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको ये काजल खरीदना है या नहीं। बाकी मिलती हूँ मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।